पनीर का पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम पनीर। ये पनीर मैंने घर पे बनाया है और क्यूब्स में कट किया है। हाफ कप बेसन, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, घोलने के लिए पानी और तलने के लिए तेल। कटोरा लें, इसमें हाफ कप बेसन डालें, हल्दी डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, बारीक कटी हरी मिर्च डालें, बारीक कटा हरा धनिया डालें, इसे अच्छे से मिला लें। इसमें धीरे धीरे करके पानी डालें और एक गाढ़ा घोल बना लें। बेसन का घोल बनकर रेडी है। एक कढ़ाई में तेल डालें और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। तेल गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़े छानना शुरू करते हैं। पनीर को घोल में डालें। घोल को पनीर के ऊपर अच्छे से लगाएं। अब हम पकौड़े छानना शुरू करते हैं। पनीर का पकौड़ा बनकर रेडी है, इसे एक प्लेट में निकाल लें। पनीर का पकौड़ा बनकर रेडी है, इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व करें।